क्या हिंदुओं का सहिष्णु होना, संविधान और कानून का पालन करना उनका कोई गुनाह है जो उन्हें बार बार कानून के माध्यम से भी प्रताड़ित किया जाता है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की जाती है, उनके त्योहारों को केवल रोका ही नहीं जाता बल्कि दानवीय तरीके से उनके देवी देवताओं का, उनकी परंपराओं का अपमान भी किया जाता है। वो पुलिस, वो कानून जो जगह जगह से पिट कर मार खाकर हटता है, कहीं भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता, वो केवल हिंदुओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उनकी होली का दहन को पानी से बुझाता है, और वो भी केवल दो पुलिस वाले आके ये काम कर जाते हैं। जबकि अन्य मज़हबों या धर्मों के लोगों को अगर रोकना है तो सशस्त्र पुलिस जाती है, फिर भी उन्हें रोक नहीं पाती है। चाहे आप नमाज का ले लो, चाहे कोई भी अन्य कार्यवाही हो, कुछ भी हो, आप उन्हें रोक नहीं पाते। जैसे नांदेड़ का आपको अभी पता होगा, होला मोहल्ला मना रहे थे तो पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी, तो आप देखिए क्या हुआ। आप सामने स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, पुलिस वालों को जमकर पीटा गया, जमकर उनकी तुड़ाई हुई, कई सारे घायल हुए और एक की तो हालत भी नाजुक है। तो मानना, यानी ये क्या समझाना चाहते हैं कि जो इनके ऊपर भारी पड़ेगा, जो इन पर हावी होगा, जो इनको उत्तर दे सकेगा, उसकी बात ये मानेंगे, और बाकी हिंदुओं को तो इन्होंने सॉफ्ट टारगेट ले रखा है। हिंदुओं की तो इन्हें सुननी ही नहीं है, हिंदुओं पर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उन्हें रोका जाएगा, उनके त्योहारों का अपमान किया जाएगा, और बस हिंदुओं को सहना है। तो ये कब तक होता रहेगा? क्या ये वास्तव में हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि हिंदू भी वही करें जो बाकी कर रहे हैं? हमें ये आशा नहीं है। देखिए कैसे नमाज, ये बंगाल का दृश्य है जहाँ नमाज में पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि इसलिए खड़े हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना आए, कोई ट्रेन यहाँ से गुजर ना जाए, कोई गाड़ी इनको ठोक ना दे, क्योंकि इन्हें पता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो आग लग जाएगी, आग। और इसलिए पुलिस वाले खुद इनको संरक्षण देते हैं, सारे गैर कानूनी काम ये लोग करते हैं और पुलिस वाले इनको संरक्षण देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ये बिलों की होली जलाई, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हिंदुओं के लिए ये हमेशा तैयार रहती है उन्हें ठोकने, प्रताड़ित करने के लिए। वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो देश को जलाते हैं, जो पुलिस वालों को पीटते हैं, जो उनकी, जो कानून का विरोध करते हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी, और जो कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाते, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, उन्हें दबाया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी धार्मिक भावनाएं निरंतर आहत की जाएंगी। लेकिन ये अत्यंत शोचनीय विषय है कि आखिर कब तक हिंदू इस प्रताड़ना को सहेगा? कहीं ये भी सहनशीलता के पार हो गए तो क्या होगा? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।